हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर रेलवे के निजीकरण को लेकर है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा है कि रेलवे के विकास के लिए आगे आने वाले साल में उसे 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसके लिए इंडियन रेलवे जब तक किसी प्राइवेट कंपनी से हाथ नहीं मिलाएगी तब तक रेलवे का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब जो है कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपना किसी क्षेत्र में प्राइवेट रेलवे लाइन डालकर वहाँ पर ट्रेनों का संचालन करना चाहती है तो वह गवर्नमेंट से परमिशन लेके या लाइसेंस लेके ऐसा कर सकती है। इस तरह से वहां उन क्षेत्रों में रेलवे का विकास भी होगा, यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी और इस तरह से पूरी इंडियन रेलवे का विकास होगा। तो इस तरह से जो है रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा ऐसा बोला गया है रेलवे के प्राइवेटीकरण को लेकर, और ऐसा होता है तो देखिए आगे आने वाले दिनों में सभी जगह रेलवे लाइन देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगली खबर इंडियन रेलवेज के एक जो टीटी हैं उनसे हुई शर्मनाक घटना को लेकर है। हुआ क्या है कि इटावा रेलवे स्टेशन पर एक 86 साल के वृद्ध व्यक्ति जो कि धोती कुर्ता पहने हुए थे, वह शताब्दी जो है ट्रेन में इटावा रेलवे स्टेशन पर चढ़ने के लिए गए, लेकिन वहां पर हुआ क्या कि उसमें जो टीटी थे उन्हें चढ़ने नहीं दिए, उन्हें उतार दिए, जबकि उनके पास बाकायदे जो है कन्फर्म सीट भी था। उनकी टिकट की चेकिंग नहीं की गई, उन्हें यह बोलकर उतार दिया गया कि यह जो है धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग इस ट्रेन में चढ़ने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वो जो बुजुर्ग है वहाँ के रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर है उनसे जाकर इस बात को लेकर कंप्लेन की, जिसमें उन ये जो है वहाँ का स्टेशन मास्टर उस टीटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए, तो फिलहाल जो है रेलवे की तरफ से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे घटना की छानबीन चल रही है। अगर ऐसा सही पाया जाता है तो उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह रेलवे की तरफ से बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। दोस्तों, अगली खबर इंडियन रेलवे के ट्रैकमैन को लेकर है। इंडियन रेलवे जो ट्रैकमैन होते हैं जो कि गर्मी, बरसात, धूप, ठंडी सभी महीनों में रेलवे के ट्रैक की निगरानी करते हैं, उनके लिए जो है रेलवे के तरफ से उनके जोखिम भत्ता के नाम पे 10,000 रुपये उनकी सैलरी में बढ़ा दिया गया है। यह बहुत दिनों से प्रस्ताव चल रहा था जिसे रेलवे ने सुन लिया है। वजह ये बताया गया कि ये जो है बहुत ही खतरनाक ऐसे ऐसे जगहों पर काम करते हैं जिनके नाम पर उन्हें 10,000 रुपये जोखिम भत्ता अलग से दिया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर सेंट्रल रेलवे के तरफ से है, जहां पर सेंट्रल रेलवे के द्वारा वहां की जितनी भी लोकल ट्रेनें हैं उनकी लाइव स्टेटस को देखने के लिए मेरी लोकल ऐप जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसे कि 15 अगस्त से लॉन्च किया जाएगा और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मेरी लोकल ऐप में होगा क्या कि सेंट्रल रेलवे यानी मुंबई इलाके में जितनी भी लोकल ट्रेनें चलती हैं उसका जो लाइव स्टेटस है उसमें आप देख सकते हैं कौन ट्रेन कब कहाँ कैसे पहुँचेगी, सारी डिटेल्स उस ऐप में देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से वहाँ के लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जिससे लाइव स्टेटस वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर भागलपुर से है, जहां पर 18 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर इंडियन रेलवे पूरी तैयारी कर ली है और वहां के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं और मेन ट्रेनों का स्टॉपेज वहां पर कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे टिकट काउंटर बढ़ाए गए हैं और रेलवे की तरफ से ऐसा बोला गया है कि वहाँ जो मिलने वाले खाने हैं उनके रेट भी घटाए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मिलने वाले पानी की बोतल का रेट भी घटाया गया है, जिससे वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आज के रेल न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं कल के रेल न्यूज में, तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।